डेहरी प्रखंड कार्यालय में चौथे दिन भी 13 पंचायतों से प्रत्याशियों ने कराया नामांकन। नमस्कार, मैं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज़ 9। डेहरी प्रखंड के 13 पंचायतों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है और तीसरे दिन विभिन्न पदों के लिए 796 प्रत्याशियों ने नामांकन का पर्चा दाखिल किए और चौथे दिन का नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। और ऐसे में प्रखंड विकास पदाधिकारी पुरुषोत्तम त्रिवेदी ने बताया कि तीसरे दिन तक 796 प्रत्याशियों ने विभिन्न पदों पर नामांकन किया है। उन्होंने कहा कि 27 तक नामांकन प्रक्रिया चलेगी, इसके बाद 3 दिनों तक स्क्रूटनी प्रक्रिया चलेगी और सभी प्रत्याशी अपने अपने प्रस्तावक के साथ जाकर नामांकन का पर्चा दाखिल किए हैं। इस दौरान कई प्रत्याशी गाजे बाजे के साथ प्रखंड कार्यालय नामांकन करने पहुंचे थे और जमुहार पंचायत से पंचायत समिति पद के लिए पूनम देवी ने अपना नामांकन दाखिल किया है। वही आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि पूर्व में जैसे जनता हम पर भरोसा कर अपना आशीर्वाद दिया था, इस बार भी पुनः आशीर्वाद दे ताकि छूटे हुए पंचायत के अधूरे कार्यों को मैं पूरा कर सकूं। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए इस पर हम उनसे हमारे संवाददाता बात करते हैं और क्या कुछ कहा उन्होंने सुनिए। पूनम देवी है। किस पंचायत से? मैं जमुहार पंचायत 9 से पंचायत समिति पद पर चुनाव लड़ रही हूँ। इस बार क्या माहौल होगा आपका, किस तरह के विकास करेंगे? विकास तो मैं 5 साल में जनता ही बताएगा कि मैंने क्या 5 साल में किया है, क्योंकि 2 साल तो कोरोना काल में रह चुका, फिर भी मैं कोरोना काल में भी जनता के बीच में रही हूँ। महिला होकर भी मैं किसी के हाथ पकड़ कर नहीं चली हूँ 5 साल। इस बार पहली प्राथमिकता आपके पंचायत के लिए क्या होगा? मेरा पहली प्राथमिकता यही है कि जो भी सरकार की योजनाएं जो चलती है तो मैं चाहूँगी कि उसको प्रत्येक घर में पहुँचाएँ और युवाओं के लिए रोजगार दे। और दूसरी बात, हमारे रोहतास जिला में भी रोजगार के लिए बहुत पीछे चल रहा है, मैं चाहूँगी रोहतास में भी रोजगार के लिए मैं लड़ाई लड़ूंगी इस बार। आप अपने पंचायत के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं पहले तो अपने ग्राम पंचायत के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और उनसे यही अपील करना चाहती हूँ कि वो ऐसे प्रतिनिधि चुने जो शिक्षित हो, कर्मठ हो और उनकी बातों को सुने और अपने घर तक विकास के कार्य को लेकर आए। पंचायत निर्वाचन 2021 डिहरी प्रखंड में 8वें चरण यानी 24 नवंबर को है। यहाँ पर नामांकन की प्रक्रिया 21 अक्टूबर से जारी है। 3 दिन का नामांकन हो गया है। इसमें अभी तक कुल 796 प्रत्याशियों ने विभिन्न पदों पर अपना नामांकन किया है, जिसमें मुखिया के लिए 28 प्रत्याशी, सरपंच के लिए 46 प्रत्याशी, पंचायत समिति के लिए 48 प्रत्याशी, ग्राम कचहरी पंच के लिए 193 और ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 481 सदस्यों ने अपना नामांकन किया है। आज चौथे दिन है, 27 तक ये नामांकन चलेगा, उसके बाद स्क्रूटनी की प्रक्रिया होगी। स्क्रूटनी का सर कितने दिनों के समय होंगे? 3 दिन का समय है स्क्रूटनी का, जिसमें मुखिया, सरपंच और समिति पद के लिए 28 तारीख को समीक्षा किया जाएगा, 29 तारीख को ग्राम पंचायत सदस्य के पद के समीक्षा किया जाएगा और 30 तारीख को ग्राम कचहरी के पंच पद पर जितने भी नामांकन हैं उन सारे नामांकन पत्रों की समीक्षा की जाएगी।